लास्ट लेक्चर में हमने ये देखे थे कि किस तरीके से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अरेंज किया गया है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे थे और देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में इंटर होता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। तो इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर फोर ब्लॉक एस पी डी एंड एफ। तो हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं पर्टिकुलर एक एलिमेंट के एक पर्टिकुलर सबशेल में और वही उसका ब्लॉक कहलाता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि इन दीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर फोर ब्लॉक एस पी डी एंड एफ और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 18 तक के वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं हम? पीरियड्स कहते हैं। तो 7 पीरियड्स जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आड़ी आड़ी लाइन्स है वह है 7 हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड्स कहेंगे। 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसे हम कहते हैं ग्रुप्स और 4 ब्लॉक्स हैं एस पी डी एफ। ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल का, गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनके नेम्स लिखना है एक के नीचे एक और राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप। और वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स लेके उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर देखना है विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। जो आप उसको कॉन्फ़िगरेट कर रहे हो, जो अरेंज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, उसमें क्या सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है एंड हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे वैलेंस मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट्स के कितने होते हैं ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो चलो देखिए, हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया है कि ग्रुप 1 एलिमेंट है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से, स्टार्टिंग के कौन से कितने लिखना है हमको? 4 एलिमेंट्स के लिखना है, ओनली फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स कौन से है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने आपको बताया अवर्फ वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हमने, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। अब उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटीज आपको दिखाई दे रही है ये लिखना है, मतलब वैलेंस शेल में सिमिलैरिटी बोले तो कहाँ दिखेगी? वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में। अब ये देखो, यहाँ पर तो एक ही शेल है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए कि ये जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर सोडियम में देखें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हमको? 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर है वो कैसे हैं? सेम इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ग्रुप 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अरे बस समझ में। अब देखें कि इन अ ग्रुप जो शेल नंबर होते हैं वो शेल नंबर देखें 1 by 1 इंक्रीज होते जा रहे हैं। हाइड्रोजन में शेल नंबर कितने हैं टोटल? देखो बीच में तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में शेल कितने आ रहे हैं? जो सर्कल है, जो वो हम कहते हैं ऑर्बिट, वो कितना है? ओनली 1। फिर लिथियम में देखें कितने शेल नंबर आ रहे हैं? ये 2। फिर सोडियम में देखें 1 2 3। फिर पोटेशियम में देखें 1 2 3 and 4। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम देखें तो शेल नंबर क्या हो रहे हैं? यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं शेल में वो कांस्टेंट आ रहे हैं। क्या आ रही बात समझ में? क्या ध्यान रखना है आपको? शेल नंबर इंक्रीजेस, शेल नंबर इंक्रीजेस, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो सेम ग्रुप शो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे से कि सेम
ग्रुप शो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए लास्ट में वन 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 आ रहा है। इसी प्रोसेस पे देखो हम जाते हैं सेकेंड ग्रुप पे। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 4, 12, 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम 4 से 2, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 8, 2। यहाँ भी देखेंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, देखिए 2, 2, 2। शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, बेरिलियम में कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं, मैग्नीशियम में 3 शेल्स हैं, कैल्शियम में 4 शेल्स हैं, लेकिन शेल्स नंबर इंक्रीज हो रहे हैं बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2, 2। मतलब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सभी सेम रहेंगे, मतलब 2 रहेंगे, ये कॉन्स्टेंट है। उसी तरीके से देखें हैलोजन्स, जो 17th ग्रुप एलिमेंट है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम 2, 7, क्लोरीन का लिखेंगे हम 2, 8, 7, एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8, 7। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7, 7। तो यहाँ मतलब क्या निकल रहा है, सारा इसका कंक्लूजन क्या निकला कि सेम ग्रुप शोज सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, सेम ग्रुप शो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को कह रहे हैं हम अल्कली मेटल्स, ध्यान में रखेंगे नेम, क्या रखेंगे आप नेम ध्यान, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है इसका नेम क्या है, अल्कली मेटल्स। क्यों इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, बिकॉज दे फॉर्म अल्कलीज, ये अल्कलीज को फॉर्म करते हैं, अल्कलीज मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, कैपेबल होते हैं ये कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं जिसको अल्कली कहते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और एसिड को, एसिड के साथ में मिलकर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉर्म करते हैं, क्लियर। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं इसको, बिकॉज ये अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जमीन के अंदर ये मिलते हैं जनरली, और जैसे कि लाइमस्टोन, चूने का पत्थर वगैरह, जो स्लेक लाइमस्टोन हम कहते हैं, वो मिनरल्स होते हैं और ये भी अल्कलीज को फॉर्म करते हैं, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, इसलिए कहा जाता है अल्कलाइन है मतलब बेसिक है, अर्थ मेटल है मतलब मिनरल्स मिनरल्स फॉर्म करते हैं, मतलब ये ज़मीन के अंदर मिलते हैं, अल्कलाइन मिनरल्स हैं ये। और 17th ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजन्स, हैलोजन्स मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, हैलो मीन्स होता है सॉल्ट, जीन्स मतलब होता है फॉर्म, मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये आपको पर्टिकुलरली नेम याद रखने हैं, फर्स्ट ग्रुप को कहेंगे अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड 17th ग्रुप को हैलोजन्स। अब देखते हैं टेक्स्ट बुक में, यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दीज एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 1, दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कली मेटल, दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप इज द सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सेम है। सिमिलरली इफ यू लुक एट द एलिमेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी सेम। अगर आप कोई दूसरे ग्रुप में भी देख लें तो सारे ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब जो पर्टिकुलर ग्रुप लेंगे उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू द ग्रुप 2। ये जो हमने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लिए, ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दीज आर 2 वैलेंस इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट का शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट सच एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन फ्रॉम द ग्रुप 17, दैट इज द फैमिली ऑफ हैलोजन। जो 17th ग्रुप एलिमेंट है हैलोजन्स की, आप सारे एलिमेंट्स में देखेंगे तो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 ही मिलने वाला है। तो वाइल गोइंग
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे अगर हम सीक्वेंस देखते हैं विद इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप की, वन इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एडेड एट अ टाइम, एक के बाद एक जो शेल नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है. पहले देखें वन शेल था, फिर टू शेल है, फिर थ्री है, फिर फोर है, तो वन बाय वन क्या हो रहा है, एक एक शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो वन इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट एडेड एट अ टाइम. From this we can say that the electronic configuration of the outermost shell is characteristic of a particular group. मतलब किसी particular group को identify करना है तो हम उसके outermost shell में जितने electrons होते हैं उससे हम find out कर सकते हैं. However, as we go down a group, the number of shell goes on increasing. लेकिन जैसे जैसे हम group में नीचे के side में जाएंगे, go down the group, the number of shell goes on increasing. जो shell number है वो क्या हो रहा है, increase होते चले जा रहे हैं. अब हमको compare करना है electronic configuration periods के साथ में, periods and electronic configuration. Can you recall first which questions है? On going through the modern periodic table, it is seen that the element lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon belong to the period 2. Write down electronic configuration of all of them. ये सारे जो elements हैं, ये देखिए second periods element है, lithium से लेकर neon तक है. और उनके हमको electronic configuration लिखना है. तो 2-1, 2-2, 2-3 से लेकर 2-8 तक के लिख लिए. Is the valence, is the number of valence electrons same for all these elements? क्या सारे elements के valence electron, मतलब last electron same है क्या, देखेंगे हम. तो यहाँ देखिए 2-1 है, last electron 1 है. Beryllium में 2-2, last electron 2 है, last electron 3 आ रहा है. Carbon में last electron 4 आ रहा है. 5, 6, 7, 8, no, है ना. हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, no, valence electron are not same for all these elements. Is the number of shells the same in this case? अब shell number same है क्या, यहाँ देखिए हमने इसको अलग से लिखा हुआ है. शेल नंबर, अब ये शेल कितने हैं, बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में शेल के नंबर कितने हैं, 2. यहाँ पे भी क्या है, 2 है, 2. सारे नियॉन तक के अगर आप देखेंगे तो शेल नंबर्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2. मतलब क्या हो रहा है, शेल नंबर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम है. लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है क्या, नहीं. इलेक्ट्रॉन नंबर ये क्या है, यहाँ पे देखो ये शेल में 1 है, फिर यहाँ पे देखें 1, 2 है, यहाँ पे 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, 4. शेल नंबर सेम है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 by 1 इंक्रीज होता चला जा रहा है. तो इन अ पीरियड अगर हम देखते हैं, पीरियड को कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. तो हम जब पीरियड में देखेंगे लेफ्ट टू राइट, तो शेल नंबर कांस्टेंट रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो 1-1 करके इंक्रीज होता चला जाएगा. अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट लेते हैं, सोडियम से लेकर एरागॉन तक के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एरागॉन. तो यहाँ पर देखेंगे आप 281, 282, 283, 284, 1-1 करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं है. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो शेल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना. आखिर तक के देखें शेल नंबर 3-3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं. अब एक चीज और ध्यान में रखना है हमको कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, कैसे, कौन से पीरियड का है, सॉरी कौन से पीरियड का एलिमेंट है. शेल नंबर से यहां देखिए, ये शेल नंबर कितने हैं, 1, 2. तो मतलब ये एलिमेंट सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है. पूरे पीरियड में लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो शेल नंबर 2 ही दिख रहे हैं. मतलब ये सारे एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करेंगे, सेकेंड पीरियड से ही बिलोंग करेंगे. फिर जैसे ही थर्ड पीरियड आता है, मतलब सोडियम आ रहा है, तो शेल नंबर बढ़ गया, 1, 2, 3. तो 3 हो गया, मतलब शेल नंबर अगर 3 है तो पीरियड नंबर 3 होगा. अब ये एरागॉन लास्ट में जाए तक के 18 ग्रुप जो एरागॉन है,
थ्री शेल नंबर रहेंगे। जैसे ही इसके बाद पोटेशियम आएगा, यह है पोटेशियम, तो शेल नंबर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। तो 4 शेल नंबर हो जाएंगे, मतलब वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। फिफ्थ में जाएंगे 5 शेल हो जाएंगे, सिक्स में जाएंगे 6 शेल हो जाएंगे, सेवन्थ में जाएंगे 7 शेल हो जाएंगे। मतलब जितने शेल नंबर होते हैं वही उसका पीरियड होता है। देखें, क्लियर हो गया, जितने शेल नंबर होते वही उस वही वो एलिमेंट वही पीरियड से बिलोंग करता है। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन दीज एलिमेंट। आपने देखा कि किस तरीके से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हाउएवर द नंबर ऑफ शेल इज सेम, लेकिन शेल नंबर सेम है। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट while going from left to right, within the period the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electron also increases by 1 at a time। आपने क्या देखा कि एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बिल्कुल 1-1 से इंक्रीज हो रहा है। देखो, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सीक्वेंशियली 1-1 से ही बढ़ रहा है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली 1-1 से इंक्रीज होना है ना। वी कैन से दैट द एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द सेम पीरियड। जितने नंबर के शेल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे, वो एलिमेंट उसी सेम पीरियड से बिलोंग करेगा, है ना, सेम पीरियड। द एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड, नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, हैव इलेक्ट्रॉन इन द टू शेल्स के एंड एल। अब वो शेल के हमने कल नाम देखे थे, ये कैसे हम के एल एम एन देते हैं, है ना, तो के और एल में मतलब टू शेल्स हैं। द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड, नेमली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एरागॉन, हैव इलेक्ट्रॉन इन द थ्री शेल्स के एल एम। ये जो शेल्स है 1, 2, 3, है ना, ये 1, 2, 3 के एल एम है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट एंड कन्फर्म। हमने ऑलरेडी लिखा है, हमने कन्फर्म भी कर लिया है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल वाइल गोइंग अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल स्टार्ट फिलिंग अप। अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम पीरियड में जब मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो शेल नंबर सेम रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज होते हैं। और जब एक पीरियड पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है, जब नेक्स्ट पीरियड आता है, तो एक शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट थ्री पीरियड्स इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अब आप कहेंगे कि के की कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन की थी, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है के की। फिर एल की कैपेसिटी आप कहेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन की है के एल। एम की 18 है, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 8 के बाद 8 ही लिखते हैं, और 8 के बाद में हम 9 नहीं लिखते, मतलब 1 लिख लेते हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का रूल फॉलो करता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अब हम ये देखेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है और क्यों फिर हम 2, 8, 9 नहीं लिख सकते, हम 2, 8, 8, 1 क्यों लिखते हैं, इसका हम रीजन देखेंगे। ऑक्टेट रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है आपको इसको। हर एक आइटम, मतलब हर एक एलिमेंट ओबे करना चाहता है ऑक्टेट को, ऑक्टेट के रूल को। अब ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट मतलब 8, है ना, ऑक्टा से लिया हो गया है ऑक्टेट रूल। तो 8 कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव करे, स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, हाँ स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लॉस करेगा या शेयर करेगा, और अपने आप को स्टेबल बनाएगा। और स्टेबल कैसे बनता है, वो नियरेस्ट नोबल गैसेस जो होती हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसे बनाने की कोशिश करता है। मतलब क्या होता है, अगर हमारा कुछ आइडियल हो
कि हमको किसी के जैसा बनना है, तो हम क्या करते हैं, पूरी कोशिश कर लेते हैं अपने आप को उसके जैसा बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि हमको एक अच्छी जॉब चाहिए, हमको अच्छा एजुकेशन अचीव करना है, हमको एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड करनी है, तो हम अपनी सारी जो कैपेसिटी है वो लगा देते हैं। किसी चीज़ को हमको डिवोट करना होता है तो हम डिवोट कर लेते हैं, किसी चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट लेना होता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेते हैं। तो उसी तरीके से ये एलिमेंट्स भी होते हैं कि अपने आप को स्टेबल इनको करना होता है, और स्टेबल उनको किसके जैसे स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, नोबल गैसेस के। अब नोबल गैसेस क्या है, 18 ग्रुप एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में जो आपको 18 ग्रुप नज़र आ रहे हैं ना, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो ये है नोबल गैसेस। तो ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा अचीव करने के लिए बाकी एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लॉस करते हैं या शेयर करते हैं, और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं क्या, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या। देखिए यहाँ पर है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस 18 ग्रुप एलिमेंट्स, तो इनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, मतलब इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हमने देखा कि ऑक्टेट रूल क्या है, कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, स्टेबल हो जाना। तो जब वो स्टेबल है तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ना लेते हैं, देते हैं, ना शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हीलियम है, हीलियम तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ही नहीं सकता, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं और ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर डुप्लेट का रूल आता है, रूल ऑफ डुप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का। बाकी देखिए सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है नियॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एर्गॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने देखेंगे, ये तो फर्स्ट शेल में 2, 8, 8, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल के आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। हाँ, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, मतलब फोर्थ शेल के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपको काउंट करना है। देखिए फोर्थ, ये इसलिए जंबल हुआ है अकॉर्डिंग टू अफबर्ग प्रिंसिपल, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना, हमको फोर्थ शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन 4s एंड 4p, ये दोनों को मिलाकर कितने हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। फिर इस तरीके से इसको कंडेंस किए हमने, छोटा करके लिखे हैं, ये इसके आगे ये इतना पूरा का पूरा आएगा। और ज़ेनॉन जो है वो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ क्या आ रही हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो स्टेबल है। तो यही स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए दूसरे एलिमेंट भी कोशिश करते हैं, और वो कोशिश ऐसी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और जब ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने, एक्सेप्ट करने या शेयर करने की प्रोसेस हो जाती है, तो पर्टिकुलर एक कंपाउंड बन जाता है। तो ये है ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो आप आगे के स्टैंडर्ड में, मतलब 11th और 12th के स्टैंडर्ड में, अब वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको सिर्फ लॉ ऑफ ऑक्टेट समझना है कि लास्ट में हम 8 ही क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी और केमिकल रिएक्टिविटी है, और आगे के जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, वैलेंसी है, वो इस ऑक्टेट को फॉलो करती है, और उसी के ऊपर से ये कॉन्सेप्ट भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।